क्या है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, जिस फाउंडेशन से हमारी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची हो जाए। कितने भी तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, लेकिन हमारी बिल्डिंग को, ऊंचाई को, क्या हम सबका ध्यान है अपने फाउंडेशन पर? जैसे है ठीक है, चल रहे हैं, हमारा क्या कहेगी माया? माया का रूप बाबा के कई बार कहते हैं, जब कोई विदाई लेने वाला होता है तो चोर लगा अंतिम वारा जमाता है, ऐसे जल भी जाता नहीं। ये विदाई लेने का समय है उसका, इसलिए वो भी बहुत शक्ति संपन्न बन करके सामना करेंगे। हम सबको अपनी स्थिति के फाउंडेशन पर ध्यान दें, और स्थिति का फाउंडेशन बाबा की उंगलियों में बहुत सारी बातें आती हैं, चिंतन में आते हैं तो पता चलता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे मुरली अच्छी तरह से सुनो, उस पर मंथन करो, चिंतन करो, सिर्फ बाबा को यहाँ सामने बैठ करके याद नहीं करो, ऊपर याद करो। ये जो योग और ज्ञान की गहरी बातें हम सुनते हैं, इसके पीछे बड़े राज हैं। ये फाउंडेशन की बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि अगर हमारा इस आकाश दृष्टि में बुद्धि योग लटका हुआ है कहीं पर भी, तो हमारी कभी भी डगमग हो सकती है। इसलिए ऊपर परमधाम की भावना ने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि तुम्हारी यात्रा जो है ऊंचाई की ऊपर जाने की, भले बाबा यहाँ समूह आया है, लेकिन फिर भी